वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगी म्यूजिक फैक्ट्री 11। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इसमें आपको सरगम का वो सिखाऊंगा, सरगम इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मैं आपके लाया हूँ 6 से 7 अलंकार, जिसमें आप सॉन्ग अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें सॉन्ग भी जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला था मैं आपको कॉपी में नोट्स दूंगा, तो ऊपर को आइए, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ नोट्स हमारे। ये मैंने पूरी हारमोनियम के नोट्स जो हैं दिए हैं। ये थोड़ी वो तार आ रही है, उसको माफ़ी चाहता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहला नोट्स, इसको पहला है शुद्ध स्वर है, 7 स्वर सा, और फिर सीधे से उल्टे हैं सिंगल वे में जो आपको पता होगा। फिर ये है डबल लेयर में, सासा रे रे गागा मामा पापा धाधा नीनी सासा। फिर इसको उल्टे में लेना है, ठीक है। थोड़ा मैंने उससे लिखा तो उससे सॉरी, मैं इसका अलग से स्क्रीनशॉट खींच के वीडियो में भी एक आगे से डाल दूंगा, ओके। तो फिर उसको कम से कम आपको 4 बार उसको 4 बार एक जगह पे बजाना है। जैसे 3 बार में, जैसे 2 बार मैंने सासा है रे रे गागा मामा पापा धाधा नीनी सासा, ये। फिर उसको उल्टे में भी वैसे ही लाना है। तीसरे में 3 बार आपको करना है सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा, ठीक है। उसके बाद 4 बार में आपको 4 बार करना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए समझ राइटिंग आपको अगर समझना है इसलिए चाहता हूँ। फिर 5वीं बार में जो मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, 5वीं बार में आपको सारे गा रे गा मा पा धा पा नी सा नी धा पा मा पा मा गा मागा रे गा रे सा, ठीक है। ये आपको पहले। फिर 6वीं बार में आपको माँ भी साथ में जोड़ना है। जैसे यहाँ पे आप गा तक, आप 3 स्वर में गा तक थे, उसके बाद 6वें में आपको माँ को भी अपने साथ जो है जोड़ लेना है, ठीक है। 1 स्वर आपको ऐड करने के बाद फिर वैसे चलना है सारे गामा रे गा पा धा मा पा धा नी सा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसको उल्टे में भी वैसे लाना है, मैं आपको अभी सारा करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद 7वें में आपको पा भी जोड़ लेना है, 1 स्वर और ऐड कर लेना है, जैसे सारे गामा पा, फिर रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 8वें स्वर में आपको सागा रे मा गा मा गा पा मा धा पानी धा सा, ठीक है। एक एक स्वर का गैप करना है। जैसे यहाँ पे हमने सा रे गा मा ऐसे लिखते हैं, तो आपको जैसे सा है तो डायरेक्ट आप गा बोलेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, इसका गैप देंगे। फिर उसके बाद रे से गा में आएंगे, ठीक है। जब मैं पूरा आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे आपके ये स्वर है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ अगर आपको समझ आता है तो यहाँ पे सही से लिखें। ये देखिए जैसे सा है तो आपको डायरेक्ट 8वें अलंकार में आपको सा से डायरेक्ट गा पे आना है। गा पे आने के बाद फिर आपको जैसे रे से माँ आना है, फिर माँ से धा आना है, पा से नी आना है और धा से सा आना है, ठीक है। फिर उल्टे में भी आपको सा से ये सा से धाना है, नी से पा आना है, फिर धा से माँ आना है, पा से यहाँ गाना है, माँ से रे आना है और गा से सा आना है, ठीक है। मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगा, उससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे देख लीजिए शुद्ध स्वर को, तो आपको मैंने कितनी बार बताया, मैं आपको इस बार कीबोर्ड पे दिखा, ये हारमोनियम पे बजा के दिखाऊंगा। मैं कैमरा एक बार कर लूँ थोड़ा, ठीक है। मैं पहले ये बता दूँ, ये मैंने पिछले उसमें बताया था जब मैंने पियानो में डाला था सरगम इंट्रोडक्शन पे। इतना दोस्तों जो 5 बटन है ये लो ऑक्टेव होते हैं, फीमेल वॉइस, देखो भारी आवाज है ना। ये मिडल, ये हाई, पूरे हाई ऑक्टेव ये होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको मिडल में बजा के दिखा देता हूँ। ये पूरे शुद्ध स्वर है, ठीक है। उसके बाद मिडल में ये मिडल ऑक्टेव की आवाज है, ये हाई ऑक्टेव की जो एकदम कड़क आवाज, एकदम तेज होती है, पैनी आवाज, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको शुद्ध स्वर जो है आपको बता दी। उसके बाद क्या था, सासा रे रे गागा मामा पापा धाधा नी नी सासा, ठीक है। आपको इसको रियाज कैसे करना है, सासा रे रे गागा मामा पापा धाधा नी नी सासा सासा नी नी धाधा पापा मामा गागा रे रे सासा, ठीक है। ये डबल टैप आपको हर स्वर पे डबल 2 बार बजाना है, ठीक है। मामा पापा गागा नी नी सासा, ठीक है। तो और फिर तीसरे उसमें क्या करना है, तीन बार इसको एक बटन को तीन बार बजाना है। कैसे? मैं इसको अभी ज्यादा थोड़ा स्पीड में लगा क्योंकि 5 बार आपको जो है वही करना है, 4 बार, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, फिर आपको 4 बार भी यही, 4 बार तक आपको यही बजाना है एक जैसे। ठीक है, उससे थोड़ा आपको जो है हाथ आपके चलने लगेंगे। और सबसे पहले इसको ध्यान से पहले सुनना हो, जो शुद्ध स्वर है ना आपको उसको पहले अच्छे से रियाज करना और गा के भी बजा के भी पहले देखना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सारे गामा को इतना हाई ऑक्टेव ले जाते हैं, हाई ऑक्टेव तो ले जाते हैं बट मूल लाइन हमें सीधी रखनी है, उसके ऊपर जो चलने वाले हैं उनको हमें वो करना होता है। कुछ लोग सारे गामा pada nisa ऐसे नहीं करना, सारे गामा pada nisa सा नी ना गामा pada। ठीक है, मैं आपको अभी ये बता देता हूँ, ये तो आपने सीख लिया, मैं इसको बाद में वो करता हूँ। 4 बार तक आपको ऐसे ऐसे टैप करके बजाना है। पहले ये 4 बार आपको ऐसे ये बजाना है। ठीक है, फिर 5 में क्या था, सारे गा रे गा मा गा मा पा धा धानी धानी सा। ठीक है, ये है। कैसे बजाएंगे उसको, ठीक है, कैसे। एक ऐड करना है, जैसे हमने सारे यहाँ सारे गा बजाया तो आप सारे गा मा बजाएंगे छठवें अलंकार में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको 7वें में पा तक ले जाना है। सारे गा मा पा रे गा मा पा धा सा सनी दा पमा नी दा पमा गा रे सा। ठीक है, और 8वें मैंने क्या बताया था आपको, 8वें मैंने बताया था एक एक स्वर का गैप करना है। क्या करना, गैप। जैसे ये सारे गा तो आपको रे नहीं बजाना, सीधा गा, सा सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी सा, उल्टे से सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। ठीक है, फिर मैं सिंगलिंग वो उससे बता रहा हूँ। सिंपल था, इसमें एक एक स्वर का गैप कीजिए और सबसे पहले आप बोलिए। बोलने से आपको क्या होगा, जो आवाज मैच होनी चाहिए इसकी। ठीक है, जैसे आप सा बोलेंगे, करता हूँ। हाँ, तो मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से वो करेंगे। मैं एक बार आपको फिर से नोट से जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें से बहुत सारे नोट्स जो हैं लिखे हुए हैं, तो मैं फिर से आपको एक बार नोट्स बना कर बता देता हूँ। सबसे पहले हमको शुद्ध स्वर लिखने हैं, जो हमारे 7 स्वर हैं। वैसे तो 12 होते हैं, मैंने अभी वो जोड़े नहीं हैं, जो तीव्र कोमल, कोमल गा, कोमल रे, कोम तीव्र माँ, कोमल था, कोमल ही, वो मैंने भी छोड़ा है क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये बहुत मेन है। अगर आप इसमें हाथ चला लोगे ना दोस्तों तो आप सॉन्ग भी निकाल लोगे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सॉन्ग जरूर निकालो। सबसे पहले फील करो उस बटन को। अगर आप सा दबाते हो उसका सा महसूस मत करो, आप उसका खाली साउंड महसूस करो, ठीक है। वो आप बाद में करेंगे, कितने लोग जो है वैसे ही बताते हैं ज़्यादातर। तो पहले आपको शब्द बजाने हैं जो सारे गामा पाधा निसा है, फिर 2 बार सासा, फिर ये 3 बार सासा सासा, फिर 4 बार सासा सासा सासा, फिर 5 में आपको सारे गा रेगामा, ठीक है। फिर 6ठे में आपको क्या है, 6ठे में सारे गामा। ये अभी मैं शॉर्ट में बजा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती है। फिर 7वें में भी पा तक आपको जो है पूरा लेना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया सारे गामा पा, फिर रेगामा पा धा, फिर क्या है गामा पा धा नी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये 8वें में ये आ जाते हैं आपके, क्या है सागा सागा रे मा गा पा मा धा पा नी धासा, ठीक है, धासा। ओके, इसको आप बजाइए एक एक शॉट जो है छोड़ के, जो मैंने आपको अभी बताया था बजा के भी दिखा दिया था, ठीक है। तो आप जो है मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ क्योंकि और लंबी जो है बन चुकी है। करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी इसलिए माफी चाहता हूँ। प्लीज़ आप इसको व्यूज़ अच्छे से देखें, एंड तक देखिएगा तभी आपको जो है समझ आएगा। बिना एंड को करोगे तो बीच में से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना करें। और ऐसे ही मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब अपना प्यार बहुत दिया। आप और कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, वैसे तो अभी मैं हारमोनियम में मैंने बोला है सारे गाने जो है मैं रिपीट में दूंगा। तो मेरे रस के कवर है जो मैं आपको बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाय।